मुंबई के करीब डोंबिवली में रहने वाले ये हैं रोहन गायकवाड़। लॉकडाउन में कमाई ठप होने के बाद रोहन के पास बिजली के बिल तक भरने के पैसे नहीं बचे, लिहाजा इन्होंने बिजली विभाग से बिल में छूट मांगी, जिसे बिजली विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताकर देने से इनकार कर दिया। किसी तरह रोहन ने 40,000 का बिल तो भर दिया, लेकिन बचे हुए 40,000 का इंतजाम नहीं हुआ, लिहाजा बिजली विभाग ने नियमों का हवाला देकर रोहन का बिजली कनेक्शन काट दिया। ऐसे में मजबूरी में रोहन को अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर बिजली का बिल जमा करने के लिए 40,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ा। मला बिल आलं होतं 80,000 रुपये लॉकडाऊनपासूनचं, त्यातले मी 40,000 रुपये थोडे थोडे करून भरले आणि त्या दिवशी मी साहेबांकडे गेलो की माझं मीटर कापलं म्हणून मी साहेबांकडे गेलो। साहेबांना मान्य विनंती केली की साहेब मी सगळं बिल भरतो, पण जो वरचा व्याज जो आहे तो मला माफ करावा। साहेब म्हणाले नाही तसं होणार नाही, माफ काही करता येणार नाही, बिल तुम्हाला सगळं बिल भरावं लागेल, कारण मी लॉकडाऊनपासून मला काही कमाई नाही। रोहन के जैसी कहानियां इस कोरोना काल में लाखों करोड़ों में हैं। हर महीने सैलरी के सहारे गुजर बसर करने वाले लाखों नौकरी पेशा लोगों को लॉकडाउन ने बेरोजगार बना दिया। CMI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 32 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। जून में जहां वेतन विभागी लोगों की संख्या 7,97,00,000 थी, वही जुलाई में ये घटकर 7,65,00,000 रह गई। 26 लाख जॉब शहरी इलाकों में, जबकि 6 लाख नौकरियां ग्रामीण इलाकों में घटने का दावा किया गया है। ऐसे में मौजूदा माहौल में नई नौकरियां खोजना और महंगाई के बीच घर चलाना आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। हालांकि जुलाई में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के आसार से नौकरियों के जाने की रफ्तार घटकर 4 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। जून में जहां नौकरियां जाने की स्पीड 9.17% थी, वहीं जुलाई में ये घटकर 6.95% रह गई, लेकिन शहरी बेरोजगारी दर अभी भी 8% के ऊपर है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 6.3% हो गई है। यानी सुधार तो हो रहा है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। कोरोना के चलते एक साल में लोगों ने सोना गिरवी रखकर घर खर्च चलाने के लिए 62,000 करोड़ का रिकॉर्ड गोल्ड लोन लिया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि रोहन जैसी मुश्किलों का सामना करने वालों का बुरा दौर अब जल्द ही खत्म हो जाए।